जयपुर में बढ़ती जेब तराशी और लूट की वारदातों को लेकर माणक चौक थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में शामिल महिलाओं ने देश के कई राज्यों में कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो बड़ी चौपड़ स्थित कटला बाजार में लगातार जेब तराशी और चैन लूटने की शिकायतें सामने आ रही थी। इन वारदातों पर लगाम कसने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। वारदात को अंजाम देने पहुंची इन महिलाओं को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। जांच में सामने आया कि इन महिलाओं ने ई रिक्शा में बैठकर इन लोगों को अपना शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गैंग में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। कई समय से ऐसी सूचनाएं हमें मिल रही थी कि जो भीड़ भाड़ भरे बाजार है वहां पर बाहर से महिलाएं आकर और ई रिक्शा वगैरह में बैठकर महिलाओं के जेब तराशी या महिलाओं के पर्स चोरी की वारदातें हो रही थी, उसको लेकर निगरानी रखी जा रही थी। इसमें कल हमने चार महिलाओं को गिरफ्तार करके इस गैंग का पर्दाफाश किया है, जो महिलाओं के बीच में घुल मिल कर और उनसे पर्स और मोबाइल की चोरी करती है, जिसमें दो महिलाएं कामिनी और संजू कड़िया सांसी एमपी की और दो महिलाएं अंजना और नंदिनी जो है वो अहमदाबाद की रहने वाली है। इन चार महिलाओं को गिरफ्तार करके अंतर्राज्यीय इस गैंग का खुलासा किया गया, जिससे कई वारदातें खुलने की संभावना